हेलो फ्रेंड्स, सो गाइस आज मैं बात करने वाला टाटा नेक्सॉन के 5 न्यू ऑटोमेटिक वेरिएंट्स के बारे में जो कि ऑफिशियली इंडिया के अंदर जो है वो लॉन्च हो गए हैं एंड 10 लाख रुपीस से जो है देखने को मिलने वाले हैं, जिसके अंदर हमें जो एंट्री लेवल वेरिएंट यानी कि हमें नेक्सॉन का जो ऑटोमेटिक वेरिएंट का हमें एंट्री लेवल स्मार्ट प्लस पेट्रोल वेरिएंट देखने को मिलता है एंड फ्रेंड्स के अंदर हमें ऑटोमेटिक वेरिएंट के अंदर में स्मार्ट प्लस प्योर एंड प्योर जैसे वेरिएंट जो है देखने को मिलता है एंड फ्रेंड्स साथ ही में हमें जो क्रिएटिव वेरिएंट देखने को मिलता है फिर उसका प्राइस हमें 11.70 लाख रुपीस से एंड इसके अंदर हमें न्यू वेरिएंट जिसके अंदर हमें जो स्मार्ट प्लस वेरिएंट है वही देखने को मिलता है एंड उसके अलावा हमें जो प्योर ऑटोमेटिक वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि हमें डीजल के अंदर एंड ये हमें 11.80 लाख रुपीस एक्स्ट्रा प्राइसिंग से जो है देखने को मिलने वाला है एंड फ्रेंड्स इसके अंदर हमें जो पेट्रोल वाला ऑटोमेटिक वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि हमें क्रिएटिव ऑटोमेटिक से हमें 1.70 लाख रुपए जितना हमें चीपर देखने को मिलेगा एंड डीजल वेरिएंट से हमें 1.20 लाख रुपए जितना हमें चीपर जो है देखने को मिलने वाला है एंड फ्रेंड साथ में हमें जो इंजन ऑप्शन है जो कि हमें सेमी देखने को मिलता है यानी कि फ्रेंड ये हमें जो टाटा का हमें 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन है जो कि हमें 118 एचपी के पावर के साथ एंड 170 न्यूटन टॉर्क के साथ जो है देखने को मिलने वाला है एंड साथ में डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट जो कि हमें 1.5 लीटर इंजन ऑप्शन के साथ एंड इसके अंदर हमें 113 bhp का पावर एंड 260 nm का टॉर्क जो है देखने को मिलेगा एंड कह सकते हैं कि इसके बेस मॉडल से हमें 7.0 इंच का टर्स्क इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि हमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM 6 एयरबैग्स इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर्स जैसे और भी काफी सारे फीचर जो कि हमें बेस मॉडल से ही जो है देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही एंड फ्रेंड्स अगर आपको हमारे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें एंड कमेंट करें।